हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टुडे इन दिस माय ऑनलाइन क्लास। मैं इंसान अली सुभागी देवी, माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, आज कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का मेरे इस वर्चुअल क्लास में, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 8 इंग्लिश रीडर चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस मेढक राजकुमार, इसके विषय में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, क्योंकि इसके पहले इस अध्याय से लेसन 10 से द फ्रॉग प्रिंस के प्रथम 2 पैराग्राफ का अवलोकन आपने किया था, प्रथम 2 पैराग्राफ के विषय में आपको पढ़ाया गया था, तो आइए आज हम चैप्टर 10 द फ्रॉग प्रिंस 3rd पैराग्राफ या यूँ कहें 4th पैराग्राफ को हम देखेंगे। प्यारे बच्चों, इसके पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा, क्या समझा, क्या देखा, थोड़ा इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि एक सुहानी शाम थी और युवती राजकुमारी जो है अपने टोपी और क्लैड जो गाउन होता है अपने पहनावे को उतारती हैं और जंगल की तरफ चली जाती हैं। वहाँ उन्होंने एक पानी का झरना देखा और थोड़ा आराम करने के लिए वह राजकुमारी वहाँ बैठ गई। उनके हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जो कि उनकी खेलने की सबसे बहुत ही प्रिय वस्तु थी। वह राजकुमारी उस गेंद को हमेशा ऊपर हवा में उछालती थी और जैसे ही वह ऊपर से नीचे की तरफ आता था सुनहरा गेंद, वह उसे पकड़ती थी। लेकिन कुछ समय के पश्चात वह उस सुनहरे गेंद को ऊपर फेंकी और वह इतना ऊंचाई पर चला गया कि जब वह सुनहरी गेंद नीचे गिरी तो राजकुमारी उसे पकड़ नहीं पाई और वह सुनहरी गेंद आज़ाद हो गई और लुढ़कते लुढ़कते ज़मीन पर तब तक लुढ़कती गई जब तक कि वह एक झरने में नहीं गिरी। यानी लुढ़कते लुढ़कते वह गोल्डन बाल जो है एक पानी के झरने में गिर गया। राजकुमारी उस झरने में उस सुनहरी गेंद को देखी लेकिन वह इतना गहराई तक जा चुका था कि वह सीधे झरने के फर्श पर पहुंच गया। इसलिए राजकुमारी रोने लगी और दुख व्यक्त करने लगी और कहीं कि यदि मैं अपने गेंद को पा जाती तो मैं अपने सारे कपड़े, आभूषण और हर एक चीज़ दे देती जो इस संसार में मेरे पास है। तो आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। व्हाइल्स सी वाज स्पीकिंग ए फ्रॉग पुट इट्स हेड आउट ऑफ द वाटर एंड सेड, व्हाइल्स जबकि सी माने वह यानी राजकुमारी, वाज माने थी, स्पीकिंग माने कह रही, ए माने एक, फ्रॉग माने मेढक, पुट माने निकाला, इट्स अपने, हेड माने सर को, आउट माने बाहर, ऑफ द वाटर पानी के, एंड और सेड माने का। व्हाइल सी वाज स्पीकिंग जब वह राजकुमारी बोल रही थी, कह रही थी, दुख व्यक्त कर रही थी, ए फ्रॉग पुट इट्स हेड आउट ऑफ द वाटर, तो एक मेढक पानी से अपने सर को बाहर निकाला, एंड सेड और कहा, क्या कहा, प्रिंसेस ओ राजकुमारी व्हाई डू यू वीप सो बिटरली, व्हाई माने क्यों, डू यू माने आप, वीप माने रोना, सो माने इतना ज़्यादा, बिटरली माने कड़वाहट यानी जोर से। प्रिंसेस राजकुमारी जी,
वाई डू यू वीप सो बिटरली, आप इतनी बुरी तरीके से क्यों रोती हैं, आप इतना तेज क्यों रोती हैं, इतना जोर से आप क्यों रो रही हैं। वाई फिर से देखिए, वाई सी वाज स्पीकिंग, जब वह राजकुमारी कह रही थी, ए फ्राग पुट इट्स हेड आउट ऑफ द वाटर, तो एक मेंढक पानी से बाहर अपने सर को निकाला एंड सेड, और कहा, प्रिंसेस राजकुमारी जी, वाई डू यू वीप सो बिटरली, आप इतना तेज या इतनी बुरी तरीके से क्यों रोती हैं। तो आगे देखिए, एलास सी सेड, सी सेड सी माने सी माने वह यानी राजकुमारी, एलास ओ यानी एक दुख व्यक्त करने का द्योतक है, एलास अफसोस, ओ सेड सी, सेड माने कहीं, सी माने वह यानी राजकुमारी कहीं, सेड सी वह कहीं, एलास अरे, ओ बड़े दुख की बात है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी यू नैस्टी फ्रॉग, व्हाट माने क्या, कैन माने सकना, यू माने तुम, डू माने करना, फार माने के लिए, मी माने मेरे, यू माने तुम, नैस्टी नैस्टी माने होता है गंदे फूहड़ बेकार, फराग माने मेंढक, एलास सेड सी वह कहीं, ओ अफसोस की बात है, दुख की बात है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, यू नैस्टी फ्रॉग तुम गंदे मेंढक, तुम फूहड़ मेंढक, व्हाट कैन यू डू फॉर मी यू नैस्टी फ्रॉग, तुम गंदे मेंढक, तुम फूहड़ मेंढक, व्हाट कैन यू डू फॉर मी तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो, माई गोल्डन बाल हैज़ फॉलन इन टू द स्प्रिंग, माई मेरी गोल्डन बाल माने सुनहरी गेंद, हैज़ फॉलन गिर गई, इंटू माने में, द स्प्रिंग माने झरने में, माई गोल्डन बाल हैज़ फॉलन इन टू द स्प्रिंग, मेरी सुनहरी गेंद झरने में गिर गई है। पुनः एक बार इसका अर्थ देखें, एलास सेड सी, राजकुमारी दुख के साथ बोली, एलास अफसोस की बात है, अरे व्हाट कैन यू डू फॉर मी यू नैस्टी डॉग इन नैस्टी फ्रॉग, तुम गंदे मेंढक मेरे लिए क्या कर सकते हो, माई गोल्डन बाल हैज फॉलन इन टू द स्प्रिंग, मेरी सुनहरी गेंद झरने में गिर गई है। तो इस तरह से यह पैराग्राफ आप लोगों ने देखा, एक बार पुनः देख लीजिए, व्हाइल सी वाज स्पीकिंग, जब वह बोल रही थी, ए फ्रॉग पुट इट्स हेड आउट ऑफ द वाटर, तो इतने में एक मेंढक पानी से अपने सर को बाहर निकाला एंड सेड, और कहा, प्रिंसेस राजकुमारी जी, व्हाई डू यू वीप सो बिटरली, आप इतना बुरी तरीके से क्यों रोती हैं, एलास सेड सी वह कहीं, अफसोस की बात है, व्हाट कैन यू डू फॉर मी यू नैस्टी फ्रॉग, तुम फूहड़ मेंढक मेरे लिए तुम क्या कर सकते हो, माय गोल्डन बाल हैज फॉलन इनटू द स्प्रिंग, मेरी सुनहरी गेंद झरने में गिर गई है। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, आइए अगले पैराग्राफ में, द फ्रॉग सेड, द फ्रॉग मेंढक सेड माने कहा, द फ्रॉग सेड मेंढक ने कहा, आई डू नॉट वांट योर पर्ल्स एंड जीवेल्स एंड फाइन क्लॉथ्स, बट इफ यू विल लव मी एंड लेट मी लिव विथ यू एंड ईट फ्रॉम ऑफ योर गोल्डन प्लेट एंड स्लीप ऑन योर बेड, आई विल ब्रिंग योर बाल अगेन। देखिए द फ्रॉग सेड मेंढक ने कहा, आई मैं डू नॉट नहीं, वांट माने चाहता हूँ, योर माने आपके पल्स माने मोतियों को, एंड और जीवल्स माने आभूषणों को गहनों को, एंड और फाइन माने अच्छे या सुंदर, क्लास माने वस्त्रों को, बट माने लेकिन, इफ यदि, यू माने आप, विल माने गागेगी, लव माने प्यार करना या प्रेम करना, मी माने मुझसे, एंड माने और लेट मी अनुमत देना मुझे, लिव माने रहना, विथ यू माने अब आपके साथ, एंड और ईट माने खाना, फ्राम आप माने से में या से भी होता है,
योर माने अपने गोल्डन प्लेट्स माने सुनहरी तस्तरियों में, सोने की बनी तस्तरियों में। एंड और स्लीप माने सोना, आन योर आपके बेड माने बिस्तर पर। आई माने मैं, विल माने गागेगी, ब्रिंग माने लाना, यू माने आपके लिए, योर माने आपका, बाल माने गेंद, अगेन माने पुनः। आइए, द फ्रॉग सेड, मेढक ने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट योर पर्ल्स एंड जीवल्स एंड फाइन क्लास, मुझे आपके मोतियों की और आपके आभूषणों की तथा आपके सुंदर वस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, या मुझे इन चीज़ों की चाहत नहीं है, या आई डू नॉट वॉन्ट योर पर्ल्स एंड जीवल्स एंड फाइन क्लास, मैं आपके मोतियों को और आभूषणों को तथा आपके अच्छे वस्त्रों को नहीं चाहता हूँ। बट लेकिन इफ यू विल लव मी, यदि आप मुझसे प्रेम करेंगी, एंड लेट मी लिव विथ यू, और मुझे आप अपने साथ रहने देंगी, एंड ईट फ्रॉम ऑफ योर गोल्डन प्लेट्स, और मुझे अपने सुनहरी तस्तरियों में खाना खिलाएंगी, एंड स्लीप ऑन योर बेड, और अपने बिस्तरों पर सोने की अनुमति देंगी, तो आई विल ब्रिंग यू योर बाल अगेन, तो मैं आपके सुनहरी गेंद को ले आऊंगा। आइए पुनः देखते हैं। द फ्रॉग सेड, मेंढक ने कहा, आई डू नॉट वॉन्ट योर पर्ल्स, मैं आपके मोतियों को नहीं चाहता हूँ, या मुझे आपके मोतियों की चाहत नहीं है, एंड जीवेल्स, और मुझे आपके आभूषणों की भी चाहत नहीं है, या मैं आपके आभूषणों को नहीं चाहता हूँ, एंड फाइन क्लास, और मैं आपके सुंदर या अच्छे वस्त्रों को नहीं चाहता हूँ, या मुझे आपके सुंदर अथवा अच्छे वस्त्रों की चाहत नहीं है, बल्कि बट इफ यू विल लव मी, लेकिन अगर आप मुझसे प्रेम करेंगी, एंड लेट मी लिव विथ यू, और मुझे आप अपने साथ रहने देंगी, एंड ईट फ्रॉम आप योर गोल्डन प्लेट, और अपने सुनहरी तस्तरी में खाना खाने के लिए देंगी, एंड स्लीप ऑन योर बेड, और मुझे अपने बिस्तर पर सोने देंगी, या मुझे अपने बिस्तर पर सोने की अनुमति देंगी, आई विल ब्रिंग यू योर बाल अगेन, तो मैं आपके गेंद को वापस लाऊंगा। इतना जब राजकुमारी सुनती हैं तो क्या कहती हैं, सी सेड टू द फ्रॉग, सी माने वह, सेड माने कहीं, टू द फ्रॉग माने मेंढक से, सी सेड टू द फ्रॉग, वह मेंढक से कहीं, वेल If you will bring me my ball, I will do all you ask. Well, ठीक है, अच्छा है। If you माने तुम, will माने गागेगी, bring माने लाना, me माने मुझको, my माने मेरे, ball माने गेंद को। आई माने मैं, विल माने गागेगी, डू माने करना, आल माने सभी, यू माने तुमने, आस्क माने कहा। सी सेड टू द फ्रॉग, वह मेंढक से कहीं, वेल ठीक है, इफ यू विल ब्रिंग मी माई बाल, यदि तुम मेरे गेंद को ले आते हो, तो आई विल डू ऑल यू आस्क, तो मैं वह सब करूंगी जो तुमने कहा है। उन्हें देखिए, सी सेड टू द फ्रॉग, वह मेंढक से कहीं, वेल ठीक है, इफ यू विल ब्रिंग मी माई बाल, यदि तुम मेरे गेंद को ले आओगे, तो आई विल डू ऑल यू आस्क, तो जो तुमने कहा है मैं वो सब करूंगी। तो इस तरह से यह पैराग्राफ ओवर होता हुआ, समाप्त होता हुआ। डियर स्टूडेंट, मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो भी एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो भी व्याख्या किए जा रहे हैं, आप उस वीडियो को हार्टली पूरे मनोयोग से आप उस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताई जा रही है, क्योंकि कक्षा 8 तक
आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताया जाता है। आप जैसे ही अगले क्लासों में जाएंगे तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बता पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि सिलेबस लंबा होता है और समय कम होता है, तो पूरे सेंटेंस का अर्थ बताया जाता है। तो आप लोग पूरे ध्यान से इसको पढ़िएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, और अगर कहीं कोई असुविधा महसूस होती है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप में अपने समस्याओं को रखिएगा, आपके सभी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।